सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर दिन एक टारगेट फिक्स करो और उसे पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दो। कुछ सालों बाद आप भी महान लोगों में गिने जाने लगेंगी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। आज का पंचांग 2 फरवरी 2020 दिन रविवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 8:03 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 11:11 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 4:36 से 5:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 5:40 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 2 फरवरी 2020 दिन रविवार, आज आप अपने साथी की सेवा में हाजिर रहना चाहेंगे। आज जितना हो सके उतना नम्र रहने का प्रयास करें और अपने प्रियजनों के साथ पूरे प्यार से पेश आए। वे लोग आपके इस व्यवहार के लिए आपको धन्यवाद देंगे। आज आप पाएंगे कि आज आप जो भी करेंगे उससे भविष्य में आपको लाभ जरूर होगा। अपने माता पिता या बड़े भाई के साथ एंजॉय करें। जो रिश्ते आप अभी बनाएंगे वो बाद में आपके लिए लाभदायक नेटवर्किंग के अवसर बनेंगे। आप चुलबुला और लापरवाह महसूस करेंगे इसका मतलब, किंतु धन के साथ लापरवाही ना करें, क्योंकि इस समय कोई बड़ी खरीदारी आपकी प्राथमिकता हो सकती है। कुछ बड़ी योजनाएं शुरू होने वाली है और भगवान ने आपके लिए कुछ अलग और बड़ा सोच रखा है। इसके परिणाम भी बेहतरीन मिलेंगे। आपकी ऊर्जा नए विचारों, नई खोज और अच्छे दृष्टिकोण का प्रतीक है। जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। पारिवारिक जीवन में अनुकूल परिणाम मिलेंगे और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ेगा, जिसे देख आपको सुकून की अनुभूति होगी। भविष्य में इससे आपको अच्छा लाभ अर्जित कर पाने में सफलता मिलेगी। फिर आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आपके संतान पढ़ाई से जुड़ी किसी यात्रा पर जाने की इच्छा जता सकती है, जिसे आप पूरी भी करेंगी। सावधानियां, आपको सलाह दी जाती है कि बिना सुने और बिना देखे किसी भी बात पर विश्वास ना करें, क्योंकि आशंका है कि आपका अपने रिश्तेदारों पर किसी झूठी बात को लेकर झगड़ा हो। इसलिए किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले जानकारी को अच्छे से जांच लें। लव लाइफ की बात करें तो जीवन के इस चरण में लग आपके साथ है, जिससे हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपके दोस्त व बड़े भाई बहन आपकी पूरी सहायता करेंगे। प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए आपके प्रयास पर्याप्त हैं। याद रखें, धीरे धीरे सीख कर ही प्रेम कला में निपुण बना जा सकता है, अच्छा बना जा सकता है। भविष्य की योजनाओं को शांत बनाएं और विश्वास रखिए जीत आपकी होगी। अपने साथी के लिए आज आपकी भावनाएं उग्र हो सकती हैं। नए नए प्रयोग करने के लिए भी यह दौर बढ़िया है। करियर की बात करें तो अचलक आपके साथ है। अचलक की जगह परिश्रम पर ध्यान दें। व्यापार या करियर में उन्नति के लिए आपका कोई शुभ चिंतक आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, कुछ भी स्थायी नहीं होता। इसी तरह अचानक आई घरेलू मुसीबतों से भी आपको ज्यादा ही छुटकारा मिल जाएगा। आपकी योजनाएं आपको बड़े परिणाम देने वाले हैं। परिवार, दोस्त और अन्य लोग भी आपकी सहायता करेंगे। दिनचर्या में परिवर्तन आने से आपकी ऊर्जा और समय दोनों खर्च हो सकते हैं। आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। सेहत की बात करें तो
आपकी माता जी की खराब सेहत में सुधार आएगा और वो भी खुश नजर आएंगी और आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु पेट से संबंधित कुछ कठिनाई हो सकती है, ध्यान रखें। आज का टिप्स, आज आप आसपास के किसी मंदिर में 3 झाड़ू दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।